अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने स्टोरेज हार्डवेयर के टॉपिक को निहायत ही डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट, यानी किसी भी सिस्टम को किस तरीके से बनाया जाता है ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, सिस्टम को बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर सिस्टम होता क्या है। किसी भी गोल यानी मकसद को हासिल करने के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम का हल तलाश करने के लिए जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है। दोस्तों, हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। वो कोई कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल सिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी या फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम, और कोई सिंपल यानी छोटा सा सिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि कॉपी पेंसिल जिस पर आप डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ह्यूमन बॉडी छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बनती है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि फूड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रीथिंग सिस्टम जिसके जरिए आप सांस लेते हैं, नर्वस सिस्टम जिसके जरिए ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी कोई भी बड़ा सिस्टम छोटे छोटे सब सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम फूड को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर इनपुट देते हैं। उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर मौजूद सब सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ पार्ट्स की मदद से उस फूड पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट यानी जब वो तमाम पार्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो हमें एक ब्रेक हुआ फूड यानी एक डिजायर्ड रिजल्ट मतलूबा रिजल्ट फराहम करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजों को इनपुट दिया जाता है, सिस्टम उस पर प्रोसेस करता है, काम करता है, तब जाकर हमें हमारा डिजायर्ड मतलूबा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, सिर्फ जिस्म आपका जिस्म एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, बल्कि आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल फोन, आपके घर में मौजूद रेफ्रिजरेटर्स और आपकी कार, इसके अलावा आपके सामने मौजूद एक कंप्यूटर सिस्टम भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दोस्तों, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को कोई टास्क देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी तस्वीर को इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के जरिए आप उस तस्वीर को कंप्यूटर को देंगे। वो तस्वीर जाके स्टोरेज हार्डवेयर के अंदर महफूज होगी, स्टोरेज हार्डवेयर उसको सिस्टम यूनिट को देंगे और सिस्टम यूनिट उस तस्वीर को डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। तो दोस्तों, किसी भी टास्क को जब हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं तो कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स उसको परफॉर्म करने में लग जाते हैं, तो वो तमाम पार्ट्स उस सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं। आपका कंप्यूटर सिस्टम या फिर इस दुनिया में मौजूद तमाम सिस्टम्स पांच मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें सबसे पहले है हार्डवेयर। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि मादी वजूद रखती हो यानी जिसको हम छू सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाती है। दोस्तों, वो छोटे से छोटा हार्डवेयर आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, और कोई बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है जिसको हम बिल्डिंग्स के अंदर महफूज करते हैं। इसके बाद है सॉफ्टवेयर। किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरत होती है सॉफ्टवेयर की, जो कि हार्डवेयर को बताता है कि उसे किस तरीके से किस काम को करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ब्रेन, आपका ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी को बताता है कि उसे किस काम को कैसे करना है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब एक सॉफ्टवेयर ही तो है। सॉफ्टवेयर को हम मजीद डिटेल में अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद है डेटा या फिर डेटाबेसेस। दोस्तों, डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, कोई तस्वीर, कोई साउंड, ये सब डेटा होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में कोई साउंड का सॉफ्टवेयर है तो उसमें डेटा भी साउंड यानी आवाज पर मबनी होगा। इसी तरीके से अगर फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है तो उसमें डेटा आपकी तस्वीरें हो सकती हैं। दोस्तों, इस तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेटा के बगैर काम नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, डेटा वो मटेरियल होता है, वो मवाद होता है जिस पर दूसरे कंपोनेंट्स काम करते हैं, और इतने सारे डेटा को जहां रखा जाता है वो डेटाबेस सिस्टम्स कहलाता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों, जो सबसे पहला
कंप्यूटर था उस वो स्टैटिक कंप्यूटर था, यानी उसके अंदर मौजूद डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते थे। लेकिन अब जमाना आ गया है इंटरनेट का, तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिन सेटअप्स या फिर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है वो कम्युनिकेशन सेटअप्स कहलाते हैं, जिनके जरिए आप एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के से जोड़ते हैं उन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के जरिए। दोस्तों ये वायर्ड हो सकते हैं यानी तारों से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, और वायरलेस भी हो सकते हैं यानी बगैर तारों के एक दूसरे के साथ आप हार्डवेयर को जोड़ सकते हैं। इसके बाद है पीपल। दोस्तों सबसे आखिरी कंपोनेंट है पीपल यानी लोग। पीपल कोई यूजर हो सकता है, जैसे कि आप, कोई प्रोग्रामर हो सकता है जो कि उस सिस्टम्स को प्रोग्राम करता है, कोई नेटवर्क एनालिस्ट हो सकता है जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बनाता है। इन शॉर्ट किसी भी सिस्टम को चलाने या फिर बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो पीपल ही होता है। दोस्तों आइए हम सिस्टम कंपोनेंट्स को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और आप फेसबुक पर किसी तस्वीर को अपलोड करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, तो फेसबुक पर मौजूद तमाम तस्वीरें, तमाम डिटेल्स फेसबुक के डेटा सेंटर के अंदर जाकर महफूज होती हैं। दोस्तों फेसबुक को आपके मोबाइल से कनेक्ट कराने के लिए जरूरत पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन की। तो दोस्तों अगर हम मान लें कि फेसबुक एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर आपका मोबाइल फोन हार्डवेयर है, उसके अंदर मौजूद फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है, फेसबुक पर मौजूद तमाम तस्वीरें, तमाम डिटेल्स डेटा है, और उस डेटा को जहां महफूज किया जाता है वो डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। दोस्तों कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जो कि आपके मोबाइल को उस फेसबुक से, उस जो कि आपके हार्डवेयर को किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कराता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है, और वो तमाम लोग जो कि इन तमाम चीजों को बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं और इनको मेंटेन करते हैं वो पीपल कहलाते हैं। तो दोस्तों कोई भी सिस्टम इन तमाम कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ये तो एक छोटा सा फेसबुक का सिस्टम था, दुनिया में मौजूद तमाम सिस्टम्स इन्हीं कंपोनेंट्स पर मबनी होते हैं। दोस्तों ये तो थे सिस्टम कंपोनेंट्स, लेकिन किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए जिन फेजेस और मराहिल पर से गुजरना होता है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाती है। दोस्तों सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर मुख्तलिफ फेजेस होते हैं जिन पर से गुजर कर ही आप किसी भी सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद है एनालिसिस, थर्ड है डिजाइन, फोर्थ है कोडिंग, फिफ्थ है टेस्टिंग, और सिक्स और सेवन है इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। दोस्तों सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इनके फेसेस को हम अगले लेक्चर्स के अंदर निहायत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे।